में कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है और ख्वाजा आसिफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। के ऊपर या जो भी उनका नाम था जो गुजरांवाले से जिनका तल्लक था ब्यूरोक्रेट, हमें इख्तलाफ था बाबर याकूब के 2018 के इलेक्शन में जो धांधली में उनका नाम सरे फहरिस्त था उसकी वजह से हमें वो काबिले कबूल नहीं थे। उनका मुतबादल जो है पीटीआई ने नाम जो है मौजूदा ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन साहब का उन्होंने नाम तजवीज किया जिसको हमने इंडोर्स किया। आज जो है अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो इमरान खान की एक प्रेस टॉक है जिसमें उन्होंने पिछले इलेक्शन कमिश्नर को उनसे गिला किया और उनको क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि 5 साल में इन्होंने जो है हमें टारगेट बनाई रखा और नया इलेक्शन कमीशन जो आए हैं वो बड़े अच्छे हैं बड़े ठीक हैं। ये सारा कुछ जो है मैटर ऑफ कन्वीनियंस है इमरान खान के लिए कि जो उनके मफादात को सूट करता हो वो बंदा अच्छा है और जो उनके मफादात का तहफुज ना करे वो बंदा जो है उसको हर किस्म बल्कि उसको मुशरिक करार देते हैं। तहफुज ना करे वो बंदा जो है उसको हर किस्म बल्कि उसको मुशरिक करार देते हैं। जनाबे स्पीकर शिर्क जो है वो वादा उला शरीक के साथ किसी को शरीक करना जो है उसको शिर्क करते हैं। ये शख्स कहता है कि मैं हक में हूं अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो शिर्क करोगे, मेरा अस्तगफरुल्लाह मेरा साथ नहीं दोगे तो कब्र में जाके हिसाब दोगे, ये क्या दावे कर रहा है। जनाबे वाला इस मुल्क की पिछली 30-35-40 साल की तारीख गवाह है कि अगर किसी और शख्स ने यह गुफ्तगू की होती तो उस पर कौन से मुकदमात बनते। आप भी गवाह हैं मैं भी गवाह हूं यहां पे जितने मेंबरान बने बैठे हुए हैं सब गवाह हैं। इससे बहुत कम गुफ्तगू करने वाले लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं इस वक्त, कोई जरूरत नहीं करता उनके मुकदमात का फैसला करने की या उनकी जमानत करने की। और ये शख्स जो है इमरान खान का साथ ना देने वालों को जो है मुशरिक कह रहा है कि ये शिर्क करेंगे और ये 95% 98% मुसलमान के मुल्क में किसी मुसलमान के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जनाबे वाला आज से 30 साल कबल जब इसने क्रिकेट का कैरियर छोड़ा तो इसका बकायदा एक कैरियर जो है उसको डिजाइन किया गया, ज़ायनिस्ट लॉबी ने डिजाइन किया कि ये न्यूक्लियर पावर है ये मुल्क जो है इसके ऊपर कंट्रोल करना है, ये मुल्क जो है कंट्रोल में नहीं आता। एक खैराती अस्पताल लॉन्च किया गया उसके लिए ताकि इसका प्रोफाइल बने, इसका प्रोफाइल बनाने के लिए इसको माली इमदाद दी गई, इसका जो एक स्टेशर था एज ए क्रिकेटर, हालांकि क्रिकेट पे इसकी टीम सारी जो है मियां दाद की किताब में लिखा हुआ है, लोग इसको मीटर कहते थे कि जब तक इसमें पैसे नहीं डालते ये काम नहीं करता। और वहां से इनका सफर स्टार्ट हुआ, मंजिल इनकी सियासत थी, मंजिल इनकी पाकिस्तान में इख्तदार था। इस सारे सफर के अंदर इन्होंने मुल्क का जो है सारे का इखलाक तबाह कर दिया। एक दहाई इस मुल्क में आई थी जहां पे हमारा मजहब जो है उसको तबाह उसके शिकस्त और एक किया गया उसका खुदा न खास्ता। और इस शख्स ने आके हमारे मुल्क का जो है माशरे का इखलाक तबाह कर दिया। बच्चियां और बच्चे जो है सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज से बात करते हैं, नंगी गुफ्तगू करते हैं। एक जो इतवार होते हैं या रवायात होती हैं उस माशरे की, वो सारी जिस माशरे की रवायात खत्म हो जाए, इतवार खत्म हो जाए, इखलाक खत्म हो जाए, माशरा बांझ हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है। ये सबसे बड़ा जख्म जो है इसने इस मुल्क के ऊपर इस रियासत के ऊपर जो लगाया है इमरान खान ने ये लगाया है और इसको रिट्रीव करना बड़ा मुश्किल होगा। जनाब स्पीकर इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा।
हमें कहता था, हमें और आपको, और ये जो साथी बैठे हैं इनको कहता था कि बरूनी साजिश के साथ आए हैं। हमारे ऊपर अमेरिका की साजिश का इल्जाम लगाता था, लगाता है, बल्कि माल ये पकड़ता है अमेरिका से, माल ये पकड़ता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बर्तानिया से, माल ये पकड़ता है हिंदुस्तान से, माल ये पकड़ता है इसराइल से। इसने कोई जेब नहीं छोड़ी जिसमें इसने हाथ नहीं डाला, अपनी जेबें खाली रखी, अपनी औलाद का खर्चा नहीं उठाया। औलाद भी जो है वो बर्तानिया वालों के जिम्मे डाल दी हुई है। जो शख्स जो है एक पाई अपनी औलाद पे खर्च ना करे, उनकी शिनाख्त ना उनको दे, वो शख्स जो है किस तरह एक माशरे के साथ वफादार हो सकता है या एक मुल्क के साथ वफादार हो सकता है। जो अपने खून को शिनाख्त ना दे, अदालत उससे जो है शिनाख्त करवाए खून की, वो किस तरह वफादार होता है किसी धरती का या किसी माशरे का या किसी अदारे का। जनाब स्पीकर, ये सोचने का मुकाम है। आज जो दहलीज हमने क्रॉस किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले के साथ, ये एक संगे मील है, ये एक वाटरशेड है हमारी तारीख का, कि तीन चार साल की बर्बादी के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है हमें इसका असली चेहरा दिखा रहा है। ये चार साल जो इसने हुकूमत की। जनाब स्पीकर, अगर इसमें जरूरत है, अगर फाइनेंशियल टाइम्स झूठा है, उसके खिलाफ केस करें। मेरे खिलाफ इसने केस किया हुआ है। मैंने 2012 अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी बैलेंस शीट से, इसकी शौकत खानम की बैलेंस शीट से मैंने एंट्रीज उठाई थी कि $7 मिलियन की खैराती पैसा इसने रियल एस्टेट और बॉन्ड्स के सट्टे में लगाया है। आज 10 साल हो गए उस केस को चलते हुए। दो तारीखें जो है पिछले चंद महीने के अंदर इसकी, इसके ऊपर जिरा भी किया है मेरे वकला ने, अदालत में नहीं आया, वीडियो भी जिरा करवाता है, लेकिन मैं वहां पे दो वकील भेजता हूं। कौमी असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है और ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा